Hello, children. This is Anjum Shay, teacher working at Government Middle School, Dunda, Block Darsima, District Rapport, Chhattisgarh. Children, today we are going to read a story. You have read the story of Alice in Wonderland in class 6 and 7. You have read the story of Alice in Wonderland in class 6 and 7. Aapne क्लास सिक्स और सेवन में एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी जो है वो पढ़िए रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप्स आप ग्रुप बनाइए और उन स्टोरीज को रिकलेक्ट कीजिए शेयर वन ऑफ योर ड्रीम्स विथ योर क्लासमेट्स और अपने दोस्तों के साथ अपना एक ड्रीम एक सपना जो है वो शेयर कीजिए डिड यू हेयर हाउ द क्वीन ऑफ हर्ट्स मैट द टॉट्स क्या आपने सुना है कि क्वीन ऑफ हार्ट्स यानी कि ताश के पत्तों की रानी ने एक पकवान बनाया था टार्ट्स एंड यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ और आपको पता है कि उसका क्या हुआ क्या आप बता सकते हैं द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट तो इसके बारे में आपको ये सॉन्ग से जानकारी मिलेगी द क्वीन ऑफ हार्ट्स शी मेड सम

छोटे से गीत में यह मेंशन किया गया था कि ताश के पत्ते के गुल्लू नेव नहीं उस पकवान को चुराया है इसलिए उसे उठाकर कैदी बना दिया गया दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग ऑफ हार्ट वे उसके कलाइयों में उन्होंने जंजीरें बांध दी उन्हें जंजीरों से जकड़ लिया और उसे ताश के पत्तों के किंग राजा के सामने पेश किया सो दैट देयर माइट बी अ रेगुलर ट्रायल ट्रायल इसलिए वहां पर एक एक रेगुलर ट्रायल यानी कि एक कोर्ट केस की सुनवाई होने लगी यहां देखिए आप लुक एट द पिक्चर ताश के पत्तों के गुल्लू ने गुल्लू को जंजीरों में जकड़कर लाया गया है ट्रायल मींस होता है बच्चों एक कोर्ट केस की सुनवाई जब एक किसी कोर्ट में किसी केस की जीरा चलती है तो उसको हम ट्रायल बोलते हैं द किंग लुकड वेरी ग्रैंड ऑन द टॉप ऑफ बच्चों नकली बाल तो लुक एट पिक्चर आप देख सकते हैं कि जो राजा है ताश के पत्तों का राजा किंग वो बहुत ही ग्रैंड दिखाई दे रहा है उन्होंने अपने सिर पर विग के ऊपर एक क्राउन क्राउन यानी कि होता है मुकुट लगाकर रखा है बट ही हैड टू वेयर देम बोथ पर राजा ने दोनों ही लगाए हैं विग और क्राउन दोनों सो दैट पीपल माइट नो ही वाज अ जज एज़ वेल एज़ अ किंग वो इसलिए क्योंकि लोग यह जान सके कि वह राजा के साथ-साथ एक जज भी है द क्वीन लुक्ड अक्रॉस फॉर

बच्चों गलत काम करने वाला तो सफेद खरगोश उस गाने के जरिए यह बताने के लिए सभी को यह बताने के लिए खड़ा था कि वह जो नैव है उसने गलत काम किया है या नहीं किया है यह तय करना है एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द ज्यूरी बॉक्स एंड शी वॉज कॉल्ड एज ए विटनेस पर्सन हुन द प्रिजनर डू वॉट इज एक नो समिंग दैट इम्पोर्टेंट इन अ ट्रायल बच्चों विटनेस यानि होता है गवाह ज्यूरी बॉक्स यानी कटघरे जिस ज्यूरी बॉक्स के में खड़े होकर जो गवाही देता है उसे हम ज्यूरी बॉक्स कहते हैं ज्यूरी मीन्स होता है अभी निर्णायक जो निर्णय देते हैं ज्यूरर्स ज्यूरी के सदस्य और का मीनिंग होता है आरोप लगाया तो एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द ज्यूरी बॉक्स ज्यूरी बॉक्स के पास एलिस जो है वो बैठी थी एंड शी वॉज कॉल्ड एज विटनेस। और उसको एक विटनेस एक गवाह के रूप में वहां बुलाया गया विटनेस यानी होता है बच्चों पर्सन सीन द प्रिजनर डू वॉट एवर ही विटनेस मीन होता है एक व्यक्ति जिसने कैदी को जो भी उसके ऊपर आरोप लगाया गया है वह करते हुए देखा है और नो समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट इन अ ट्रायल या फिर वह कुछ महत्वपूर्ण बात जानता है जो कि कोर्ट की, की सुनवाई में काम आ सकती है टार्ड्स को किसने चुराया बट एलिस नो एनीथिंग अबाउट इट लेकिन एलिस तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी शी बस सोचती कि पूरी दुनिया में उसे ही क्यों एक विटनेस या गवाह के रूप में लाया गया है सोचती है। द रैबिड ब्लू हिस्ट्रम्फेड एंड शाउटेड आउट एलिस एंड एलिस जम अप इन हरी रैबिड जो है वह बहुत जोर से चिल्लाता है एलिस के ऊपर लेकिन एलिस जो है वो जल्दी में कूद जाती है कट से बाहर एंड हर स्कर्ट ओ इट कॉट अगेंस्ट द बॉक्स एंड ट्रिप्ड इट ओवर और जब वो ज्यूरी बॉक्स से कूदती है तो उसके फ्रॉक का जो स्कर्ट होता है वो उसमें अटक जाता है फंस जाता है और वो फंस जाती है

वेर द ने सदस्यों से यह जानना चाहता है, कि जो है, ताश के पत्तों वो गलत है या नहीं है द क्वीन वॉन्टेड टू पनिश दे रानी उन सबको सजा देना चाहती है द ने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वो उस

एक कार्ड्स के पैक के अलावा कुछ भी नहीं हो सो दे वर ऑल एंग्री इसलिए वे सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं एंड फ्लू अप इन टू दर और हवा में उड़ने लगते हैं देन दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन अगेन और वे सब फिर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगते हैं ऑल ओवर पुअर एलिस जस्ट लाइक अ शॉवर ऑफ रैन और सारे कार्ड्स उस बेचारी एलिस के ऊपर गिरने लगते एक शॉवर की तरह the next thing, अगली जो बात होती है एलिस वो कब आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम। एलिस अचानक अपने इस जिज्ञासा रूपी सपने से बाहर चली आती है एंड शी फाउंड दर्ड्स वो समीव ऑफ द ट्री वह यह उसने यह पाया कि ये जो कार्ड्स हैं वो सिर्फ पेड़ की कुछ पत्तियां हर फेस पर उड़कर चली आई थी वुडन इट बी ए नाइस थिंग टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम क्या यह एक बहुत अच्छी बात है कि आपको भी इस तरह के क्यूरियस ड्रीम्स आए जस्ट लाइक एलिस एलिस की तरह टू हैव एयर क्यूरियस ड्रीम लाइक एलिस लाई डाउन शेट यूर आई स्टाइट गुड बाय एलिस गुड बाय तो एलिस की तरह क्यूरियस ड्रीम देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा लाई डाउन लेटना पड़ेगा तो आप लेट जाइए अपनी आंखें अच्छी तरह से बंद कर लीजिए गुड बाय एलिस डियर गुड बाय तो बच्चों अब हम

यह मेंशन किया गया था कि उसी ने क्वीन के द्वारा बनाया गया टार्ट चुराया था व्हाई डिड द किंग wear the wig and the crown राजा ने विग और क्राउन क्यों पहना था द किंग wore the wig and the crown so that people might know that he was a judge as well as the king राजा ने विग और क्राउन दोनों इसलिए पहना था ताकि लोग यह जान सके कि वह एक राजा के साथ-साथ एक जज भी है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मेनी मेंबर्स पर दे इन द ज्यूरी ज्यूरी में कितने मेंबर थे देर वर फिफ्टी टू मेंबर्स इन द ज्यूरी बिकॉज द ज्यूरी वाज़ अ पैक ऑफ कार्ड्स ज्यूरी मेंबर्स की संख्या जो थी वो फिफ्टी टू थी क्योंकि यह एक पैक ऑफ कार्ड्स है व्हाट डिड द क्वीन से वेन शी वॉज एंग्री वेन द क्वीन वॉज एंग्री शी सेट ऑफ विथ हर हैंड जब भी रानी गुस्सा होती थी तो वह कहती थी ऑफ विथ हर हेड इसके सिर पर मारो रियल रेड आंसर ये रियल स्टोरी है कि एक ड्रीम है, है, तो आपको पहले से ही पता दिस इज अ ड्रीम स्टोरी बिकॉज एलिस फाउंड दैट द कार्ड्स सम लीव्स ऑफ द ट्री दैट ही हैड ब्लोन डाउन अपॉन हर फेस ये एक जो है ड्रीम है और आपको ये शुरू में बताया गया है क्योंकि एलिस जो है उस अंत में यह पाती है कि पेड़ के कुछ पत्ते ही उसके ऊपर गिर रहे थे ये ताश के पत्ते नहीं थे जो हवा के द्वारा उसके ऊपर लाए गए थे Why डिड द cards बिकम एंग्री कार्ड जो है क्रोधित क्यों हो जाते हैं द because बिकम एंग्री बिकॉज एलिस cared हु फॉर देम एज were थिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड कार्ड इसलिए एंग्री हो जाते हैं क्योंकि एलिस ने कहा कि आपके बारे में कौन ध्यान देता है क्योंकि आप लोग सिर्फ एक पैक ऑफ कार्ड्स हैं लिस्ट आउट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट आर रिलेटेड टू अ ट्रायल एक रेगुलर ट्रायल से रिलेटेड वर्ड्स आपको यहां पर लिस्टिंग करना है देखिए आंसर विग एक गिल्टी जेवरर ज्यूरी बॉक्स नॉट गिल्टी विटनेस एंड प्रिजनर हियर इज अ होमवर्क क्वेश्चन राइट अबाउट वन ऑफ येज ड्रीम्स आप भी बहुत सारे ड्रीम्स देखते होंगे तो उनमें से आपको कोई एक स्ट्रेंज ड्रीम के बारे में लिखना है तो ओके बच्चो गुड बाय सी यू सोन